साची आप इस स्थिति से निकलना चाहती हैं और आप जानना चाहेंगी कि कैसे आप इससे निपट सकती हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल निकलना तो चाहूंगी। मैं आपको पहले ये तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को देखकर ये बताइए कि इस तस्वीर में आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। इसमें तो माँ स्वस्थ दिखाई दे रही है दीदी, और अपने बच्चे के साथ में एक अच्छा समय व्यतीत कर रही है, ऐसा ही दिख रहा है। माँ और बच्चे दोनों ही जी शांत हैं, है ना, जी अपनी दीदी, शांत जी अवस्था में जी हैं और एक अच्छा संबंध दिखाई दे रहा है हाँ उन्हें। दीदी, हाँ तो साची आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस अवस्था में आने के लिए आपको क्या करना होगा? दीदी, जैसे कि मैं मुझे डॉक्टर साहब की भी बात याद आ रही है, उन्होंने भी बोला था कि भाई तो ठीक तरह से नींद लेनी चाहिए आपको, जब बच्चा सोया करे तब आप भी सो जाया करो। तो ऐसे शायद मैं इसको प्राप्त कर पाऊँगी, स्थिति को। और इसके अलावा मुझे याद है दीदी, आपने भी मुझे बताया था वो व्यायाम करना, थोड़ा सा थोड़ा सांस की भी व्यायाम करना, और सही तरीके से सोना, खान पान करना, ये सब आपने बताया था मुझे। तो वो यदि कोशिश करके करूँगी दीदी, तो शायद मैं भी इस स्थिति में आ पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही जी कहा आपने साची। तो आपको बस यही सब चीज़ें करनी हैं और आपको कोशिश करनी है कि जो दिशा निर्देश आपके डॉक्टर आपको दे रहे हैं या जो मैं बातें बता रही हूँ, आप उसका अनुसरण करती रहें, लगातार वो करती रहें। और कैसे आप अपने परिवार का, अपने पति का भी सहयोग ले सकती हैं, है ना। जी दीदी, तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगी जो आपने अभी बताया है, जी तो आपका और आपके बच्चे का संबंध बेहतर होता चला जाएगा, जी हुँ? दीदी, ठीक है। तो साची इस चार्ट को ध्यान से देखो। ये चार्ट इसलिए है कि आप नज़र रख पाएँ कि आप पूरा आराम कर पा रही हैं, पूरी नींद ले पा रही हैं कि जी नहीं, ठीक जी है। तो अब अगर आपको अपना सेहत का ख्याल रखना है, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है, तो आपको इस चार्ट का अनुसरण करना है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये तय करना है कि आप कितने घंटे की नींद लेना है आपके लिए ज़रूरी है। तो कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए और सुबह उसके हिसाब से ही आप अपने उठने का और सोने का समय तय कीजिए कि आप, और उस समय को निश्चित कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप निश्चित समय पर सोएं, निश्चित समय पर जागें और 8 से 9 घंटे की नींद लें। दूसरा है कि सोने से पहले 1 घंटे पहले आप अपने आप को बाकी तमाम चीज़ों से अलग कर लें और अपने दिल दिमाग को शांत करें, अपने आप को शांत अवस्था में लेके जाएं, आराम की अवस्था में लेके जाएं, ताकि आपको अच्छी नींद आ पाए। तीसरा है कि दिन के वक्त में ज़्यादा लंबी नींद ना लें। 10-15 मिनट के लिए आप थोड़ी आराम कर सकते हैं पर ज़्यादा लंबी नींद ना लें। जी और तीसरा है 5 बजे, शाम के 5 बजे से पहले आपको कॉफ़ी या चाय अगर पीनी है तो पी लें। शाम को 5 बजे के बाद में कोई चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। और फिर जब आप बिस्तर पे जाती हैं तो बिस्तर पे आप कुछ योगा कर सकती हैं, कुछ व्यायाम कर सकती हैं और बिस्तर पे जाने से पहले दूध ज़रूर पी लें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगी, श्वास के कुछ व्यायाम करेंगी, योगा करेंगी, तो उससे आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा और आप अच्छी नींद ले पाएंगी। और जी ये बिल्कुल ध्यान रखें कि बिस्तर केवल सोने के लिए है, ना कि दीदी, टीवी देखने के लिए या किताब पढ़ने के लिए, है जी ना। दीदी, तो जी बिस्तर पे जाने के बाद आपको सोना ही है, ठीक है। तो अगर आप ये सब गतिविधियाँ कर पाती हैं, इनका ठीक से अनुसरण कर पाती हैं, कितनी बार कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, इस पर नज़र रखने के लिए ये चार्ट है, तो आप रोज़ की गतिविधियों पर निशान लगा सकती हैं कि आपने कौन सी गति पूरी तरह से ठीक ढंग से की और कौन सी गतिविधि आप नहीं कर पाई। और आप नज़र रखेंगी तो आप इसमें सुधार भी कर पाएंगी, है जी ना। जी तो साची आप ये चार्ट जरूर इसका अनुसरण कीजिएगा। ठीक है, पहले वाले चार्ट जैसा ही है ना दीदी ये भी? हाँ बिल्कुल वैसे ही निशान लगाने हैं बस। हाँ और पर आपको ध्यान रखना है कि ये आप ठीक से कर पा रही हैं कि नहीं, उसी के जी हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाती जाइए, जी ठीक है दीदी, मैं ठीक है। करती हूँ। अब ये तस्वीर देखकर बताओ साची, इसमें आप क्या देख पा रही हैं? ये तो दीदी एक में माँ तनाव में है,
आपने पहले दिखाया था वो तस्वीर है, और एक में माँ शांत है अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ वो स्थिति है जिसमें माँ इस स्थिति से, जहाँ वो बहुत तनाव में थी, चिंता में थी, इस स्थिति तक पहुँच गई है जहाँ पे वो शांत है और अपने बच्चे के साथ में एक अच्छा संबंध बना पाई है और अपनी सेहत का और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख पा रही है। तो कुछ ऐसे स्वास्थ्य के लिए चीज़ें की गई हैं इसमें जिससे वो इस स्थिति में आ पाई है कि वो ज़्यादा सेहतमंद है और उनका बच्चा भी ज़्यादा सेहतमंद है। तो इसके लिए जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आपको अपनी नींद भी पूरी लेनी होगी और देखना होगा कि आपके बच्चे की भी नींद पूरी हो, आपकी भी नींद पूरी हो और समय पर नींद ले और जितनी नींद नींद ज़रूरी है उतनी नींद ले, है ना, और आराम करें, व्यायाम करें और खाने पीने पर भी ध्यान दें। जी दीदी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी दीदी ये करने की जो आपने बोला, कोशिश करूंगी स्थिति से स्थिति में आने की। बहुत अच्छी बात है साची, और अगर आप कोशिश करेंगी ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जी दीदी, अभी मैं चलती हूँ, ठीक है ठीक है, दीदी, फोन धन्यवाद कर, दीदी, ठीक है, मैं फोन करती हूँ आने से ठीक है पहले। दीदी, धन्यवाद नमस्ते। दीदी, नमस्ते। सत्र 8 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में जाना, उसके बाद पिछले सत्र के बारे में संक्षेप में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करने के बारे में सीखा, फिर मूड रेटिंग स्केल, उसका महत्व और किस तरह से ये मूड रेटिंग स्केल माँ की मदद करेगा इसके बारे में भी जाना, अच्छी नींद लेने के तरीकों के बारे में भी हमने इस सत्र में सीखा।